नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के चिरकुंडा में ट्रैक्टर्स ओनर्स एसोसिएशन की बालू उठाव करने वाले मजदूरों की बैठक हुई। चिरकुंडा ट्रैक्टर्स ओनर्स एसोसिएशन और चिरकुंडा सुंदर नगर क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण मजदूरों द्वारा सरकार को और बालू से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को सूचित करने हेतु चिरकुंडा सुंदर नगर बालूघाट के समीप बैठक रखी गई, जिसमें एसोसिएशन के द्वारा मांग की गई कि चिरकुंडा सुंदर नगर बालूघाट, कापासारा बालूघाट और डूबरकुंडा बालूघाट को विधिवत निविदा के माध्यम से चालू कराने की मांग की गई, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य सुचारू रूप से हो सकें और उसके फलस्वरूप बालूघाट सुचारू रूप से चलने पर ट्रैक्टर मालिकों और मजदूर अपने परिवार का जीविकापार्जन कर सकें, बालूघाट का कार्य होने से सभी की स्थिति में सुधार हो सके। एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि लगभग 3 वर्ष से मीडिया के माध्यम से यह समाचार मिल रहा है कि सरकार बहुत जल्द बालू घाटों का टेंडर करने जा रहा है, लेकिन 3 वर्ष बीतने को हैं, बालू घाटों के टेंडर में सरकार फेल साबित हो रही है। अगर इस विषम परिस्थिति में 1 या 2 सप्ताह के अंदर निदान नहीं किया गया तो मजदूर और वाहन मालिकों द्वारा बैठक बुलाकर इसके एसोसिएशन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। इस बैठक में सुभाष तिवारी, अजय बाउरी, परिमल चंद्रा, मनोज बाउरी, ओम प्रकाश सिंह, मुख्तार अहमद, विक्रम मंडल, अमरदीप गुप्ता आदि मौजूद थे। धनबाद संवाददाता मजीद खान की रिपोर्ट। सिंह, ट्रैक्टर ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुभाष तिवारी जी और चिरकुंडा सुंदर नगर के सभी मजदूर भाइयों का आज एक अहम बैठक हुआ, जिसमें COVID-19 के पीरियड से सारे वाहन मालिक और मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है और विगत 3 वर्षों से ज़्यादा समय से हम लोगों ने देखा है कि प्रेस के माध्यम से कई बार यह बात खुल के सामने आया, अनेक बार रिपीट हुआ कि सरकार इस हफ्ता नहीं अगले हफ्ता धनबाद जिला में बालू घाटों का डाक कराने जा रही है, लेकिन आज तक विगत 3 वर्षों से ज़्यादा समय में ढाक का 3 पात साबित हुआ है। इसी विषम परिस्थिति में आज हम लोगों ने एक बैठक किया है, जिसके माध्यम से हम लोग सरकार को और उसके संबंधित सभी डिपार्टमेंट को ये सूचित करना चाहते हैं कि चिरकुंडा सुंदरनगर, कापासारा बालूघाट और डूबरकुंडा बालूघाट की विधिवत नीलामी की जाए और विधिवत तरीके से चालू किया जाए, ताकि मजदूरों को रोजी रोटी मिल सके और वाहन मालिकों का वाहन का परिचालन हो सके। क्योंकि यहाँ पे जो सरकार विकास की बात करती है, लेकिन आज तक धनबाद जिला में विधिवत तरीके से जब से सरकार आई है एक भी बालू घाटों का उठाव या विधिवत डांक नहीं हुआ है, जिससे वाहन मालिक और तमाम सरकारी एजेंसियों के जो सरकार के डांक के काम हुए हैं वह सारे विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं और सरकार कोई विकास का कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं लगती है। हम लोग जनता जनार्दन, वाहन मालिक और मजदूर सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि सरकार अपने कथनी और करनी में अंतर न करे और इन बालू घाटों का विधिवत नीलामी करे। सभी मजदूर कार्य करने के लिए आज विवश हैं, पलायन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर त्वरित निदान नहीं हुआ तो भूखमरी के कगार पर वाहन मालिक और मजदूर चले जाएंगे और 1-2 सप्ताह के बाद फिर हम लोग बैठक करेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे।